वेलकम दोस्तों, रिलैक्स स्टडी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, मात्र दो मिनट में और ट्रिक के साथ। अगर आपने एक बार देख लिया तो आप वीडियो पे आप एक बार ट्रिक देखने के बाद वीडियो जैसे ही देखोगे आपको ये ग्रीन हाउस गैसेज याद रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, चलने से पहले बताना चाहूँगा जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वेरियस अपडेट मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउसेज गैसों के नाम जान लेते हैं। पहले मीथेन होता है दोस्तों, मीथेन होता है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों N2O, कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों CO2, और जलवाष्प हो गया दोस्तों ओजोन होता है O3। इसमें दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप बोलोगे सर ग्रीन हाउस गैसेज और भी है, तो दोस्तों और भी है बट इनमें से क्या है मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इन्हीं को लेकर ट्रिक बनाया है। ये हर SSC CGL का या स्टेट PSC का या कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, इनमें से क्या है क्वेश्चन कंबाइन करके बनाया जाता है। तो आजकल क्या है, हमें पता होने के बाद भी हम क्या है कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, जान लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए ट्रिक क्या है। मीना का जलवा आजकल और रंगीन हो गया, मीना का जलवा आजकल और रंगीन हो गया। दोस्तों कितना ईजी ट्रिक है। मी मतलब मीथेन CH4, ना मतलब नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों N2O हो गया, का मतलब हो गया दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जलवा मतलब जलवाष्प हो गया, ओ मतलब दोस्तों ओजोन हो गया। इसमें जो ब्लैक कलर का है दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो जस्ट ट्रिक बनाने के लिए यूज़ किया गया। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक देख लीजिए, मीना का जलवा आजकल और रंगीन हो गया। तो देखिए दोस्तों ये ट्रिक से आप ये मतलब ईजी से याद कर पाओगे कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है। इसमें दोस्तों दो तीन और भी हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आगे मैंने डायग्राम से लिया, जिसमें CH4 मीथेन ये कवर कर ही लिया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया CFC, ये भी आपके दिमाग में आया, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी आपके दिमाग में आएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो दोस्तों मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है, वो एक जस्ट ट्रिक थी छोटी सी जिससे आप मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उस ट्रिक के थ्रू आप अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और इसी तरह दोस्तों वीडियो को चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।